आज हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सबसे पहले होता क्या है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं जितने भी लाइक कार, जीप, बस, ट्रक, जो भी आपने सुने हुए हैं नाम, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं, जो खुद से चल रहे हैं, उन सभी को ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। मतलब कि जितने भी व्हीकल्स हैं जो खुद की पावर से चल रहे हैं, वो सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जो खुद की पावर से मूव हो रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ मूव बाय इटसेल्फ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ऑटो, और मूवमेंट को क्या कहते हैं मोबाइल, तो ऑटोमोबाइल है। उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें जो है आप डिजाइन करते हो उसके अंदर। जब आप एक ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हो, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको वर्किंग के लिए जरूरी है, रिक्वायरमेंट है जिसकी, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी नीड नहीं होती, जो एक्सेसरीज होती हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें आपको पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल की एक शॉर्ट और डेफिनेशन है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, जिन व्हीकल्स को की जो है खुद की पावर, प्रोपेल्ड होता है कि पावर जनरेशन, ठीक है, सेल्फ खुद से पावर जनरेट कर रहे हैं तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, ठीक है, खुद से वो मूवमेंट कर रहे हैं, खुद से पावर जनरेट कर रहे हैं तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है। अगर आप उनको पावर दे रहे हैं, तो जैसे साइकिल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आप उसको पावर दे रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल नहीं है, उसको आप मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स हैं जिनको पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। दैट इज द व्हीकल्स, ऐसा कह सकते हो द डिवाइसेस, जो भी है व्हीकल्स जो है, व्हीकल्स प्रोड्यूसिंग पावर फॉर देयर, खुद के प्रोपल्शन के लिए, ठीक है, फॉर देयर ले सकते हो फॉर इट्स प्रोपल्शन, ठीक है, खुद के प्रोपल्शन के लिए क्या कर रहे हैं, खुद पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपल्शन, खुद के प्रोपल्शन के लिए, खुद की पावर के लिए वो खुद ही पावर जनरेट कर रहे हैं, सेल्फ पावर जनरेटेड, दैट इज नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड फॉर देयर मूवमेंट, उनकी मूवमेंट के लिए उनको कोई पावर रिक्वायरमेंट नहीं है, मूवमेंट, ठीक है, अपनी मूवमेंट के लिए उनको कोई भी पावर रिक्वायर्ड नहीं है, वो खुद से पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, खुद से वो एक्सटर्नल पावर उनको रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ऐसे व्हीकल्स को आप क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ऐसे व्हीकल्स को आप क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स। अब ध्यान दो, ऑटोमोबाइल्स के बारे में डेफिनेशन हो गई कि वो जो खुद से पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, अगर आपको एक नंबर में आती है तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स को आप क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, लाइक जीप, कार, बस, ठीक है, और आपके मोटरसाइकिल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जो आप देखते हो कि जो गाड़ियां हैं, आर्मी टैंकर्स, जो कुछ भी जो खुद से मूव कर रही हैं, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, खुद से मूव कर रही हैं, वो क्या है, सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे ऑटोमोबाइल्स हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं जो कि आपको इजीली काम करवाने के लिए, इजीली उसको अवेलेबल करवाने के लिए, आपको आसानी से ब्रेकिंग सिस्टम हो गया उसका,
उसका इंजन पावर सप्लाई हो गई, उसकी लाइट सिस्टम हो गया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम हो गया, जो भी चीजें उसके अंदर है सारी, उस सारी के बारे में आपको पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, ऑटोमोबाइल के अंदर। नेक्स्ट आता है कि ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट कैसे हुई। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट वैसे तो इंडिया के अंदर तो बहुत लेट जाके स्टार्ट हुई है। इंडिया के अंदर तो जो है 90s के अंदर ज्यादा क्रेज आया है व्हीकल्स का, लेकिन ओरिजिनल में व्हीकल की स्टार्टिंग हो गई थी 1770 में। 1770 में पहला व्हीकल जो था वो जनरेट हो चुका था, पहले व्हीकल की बना लिया गया था, वो फ्रेंचमैन था जिसने ये डेवलप किया था, निकोलस द फर्स्ट व्हीकल जिसने इसको ओरिजिनली सर्च किया था, मतलब जिसने बनाया था पहली बार ऑटोमोबाइल को 1770 में, फर्स्ट व्हीकल बन गया था, जो कि फ्रेंच मैन निकोलस, फ्रेंच मैन निकोलस ने इसको बनाया था, ठीक है। पूरा नाम है उसका निकोलस कोगनट, निकोलस कोगनट, ठीक है, ये है उसका पूरा नाम। तो ये है, इस बंदे ने, निकोलस कोगनट ने सबसे पहला व्हीकल डिजाइन किया था 1770 में, फर्स्ट व्हीकल जो है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल था उसको बनाया था, ठीक है। 1770 मतलब के आज से 300 साल पहले, 200-300 साल पहले, तब जाके उसने क्या कर दिया, एक व्हीकल बना दिया कि ये है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। उसके बाद देखो कि कोई नई चीज जब इनोवेट होती है, इन्वेंशन होती है, जब कोई नई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको ओरिजिनल में वाकई अगर सभी जगह पे उसको पहुंचाना है। अब तो बहुत देखो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, अब मीडिया ऐसा आ गया है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ नया डेवलप हुआ है, कुछ ना कुछ नया डिजाइन हुआ है, लेकिन 1770 में ऐसा नहीं था। तब ना तो कोई मीडिया था कि जिसके हेल्प से वो तुरंत फैल सके बात कि हमने कुछ नया इनोवेट किया है। तो उसके बाद उसको ओरिजिनल में सब जगह पे पहुंचने में टाइम तो लगा होगा, ठीक है, लेकिन 1770 की बात करें तो तब इतने आपके पास एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं थी कि आप उसको आसानी से डिजाइन कर सको, मतलब कि सारी चीजें खुद डिजाइन की होंगी उसने, ठीक है, उसको कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो ये सारी चीजें देखते हुए उसने देखो बहुत बड़ा काम किया है जिसने ऑटोमोबाइल को डेवलप किया सबसे पहले। उसके बाद तो फिर वो बड़े ब्रांड्स के अंडर आ गया ऑटोमोबाइल, और उसके बाद तो जो है फिएट एम्बेसडर और फोर्ड और ऐसी जो कंपनियां थी ब्रांड बन गए अब, ठीक है, उनके अंडर आ गए थे व्हीकल, उन्होंने इसको बनाया फिर चलाया, ठीक है। लेकिन शुरुआत जिसने की वो बहुत ही बड़ी शुरुआत थी 1770 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1880 तक ये नॉर्मल था कि व्हीकल बन चुके हैं, अब उसको क्या है मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। 1880 के बाद तो जैसे क्रांति आ गई, ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स जो है बनने स्टार्ट हो गए और इंडिया के अंदर भी पहुंचने स्टार्ट हो गए। इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े राजा थे वो विदेश से जो थे मंगवाने लगे, ठीक है। तो ये था 1880 से 86 के अंदर, 1880 से 1886 यहाँ पे बेंच कंपनी ने व्हीकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उनके स्टार्टिंग के व्हीकल्स जो थे, जो फर्स्ट व्हीकल कह सकते हो आप, जो फर्स्ट गाड़ी उन्होंने बेंच ने बनाई, मर्सिडीज बेंच, जिसका अपना मर्सिडीज अलग है, बेंच अलग है। बेंच ने बहुत पहले से स्टार्टिंग की थी, 1880 से 1886 तक बेंच कंपनी ने अपने व्हीकल बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और उसके बाद 1890 में जाके अमेरिकन ने, ये यूरोपियन कंपनियां थी सारी, उसके बाद अमेरिकन ने स्टार्टिंग कर दी और वो भी आगे निकल गए, ठीक है। तो 90s, अगर अपन 1900 की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी बहुत सारा फेमस हो गई थी। इंडिया के अंदर भी क्या है, व्हीकल्स की जो थी डिमांड वो बढ़ चुकी थी, ठीक है। इंडियन व्हीकल का दौर था ये 90s की, अगर आप बात करें 1900 में जाके क्या हो गया, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी स्टार्ट होने जो है डेवलप होनी शुरू कर दी थी, मतलब कि इंडिया के अंदर व्हीकल आने स्टार्ट हो गए। तो अब इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जब विदेश से यहाँ पे लाया जाए, जैसे कि राजा महाराजा थे वहां के, तो वो विदेश से मंगवाते थे व्हीकल। तो ये था
कि जब स्टार्टिंग हुई सबसे पहले 1770 के अंदर, तब पहला व्हीकल बना जो कि फ्रेंच मैन ने बनाया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे डेवलप होता गया, उसके बाद ज्यादा 100 साल तक तो लगभग कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं, लेकिन फिर बड़ी कंपनियों के हाथ में आ गई इंडस्ट्री। जैसे कि 1880 से 1886 के अंदर बेंच कंपनी ने इसको अपने अंडर ले लिया व्हीकल्स बनाने का, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उसके बाद हुई जब ऐसी कंपनियां जो थी वो आगे आ गई, ठीक है। ये थी डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इंडिया के अंदर कौन कौन है मैन्युफैक्चरर। अब इंडिया के अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होती है, जो भी व्हीकल्स आप यूज करते हैं विदेश से भी मंगवाते हैं लोग, जो ब्रांडेड व्हीकल्स हैं वो विदेश से मंगवाते हैं लोग, लेकिन जो लोकल जो अपने यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। वेरियस ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर, वेरियस ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल इन इंडिया, ठीक है। कौन कौन से ऑटोमोबाइल जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया के हैं, इंडिया के अंदर कौन कौन से ऑटोमोबाइल्स जो बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कार की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं ए के ऊपर कार मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे और कई बार लोकेशन कुछ लेता है कि कहां पे है, तो आप लोकेशन भी याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड के बारे में आपने सुना होगा, ये मारुति उद्योग सारी गाड़ियां जो है मारुति सुजुकी की चल रही हैं। तो सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है, जिसके साथ जो है इंडिया की कंपनी मारुति ने टाई अप किया हुआ है बहुत सालों से, ठीक है। और वो एक साथ मिलके जो है गाड़ियां बना रहे हैं, ठीक है। और दोनों की गाड़ियां जो है वो बहुत फेमस हैं, जैसे कि स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, ब्लेनो और कितनी सारी गाड़ियां हैं जो उन्होंने बनाई है और आज बहुत फेमस है। ब्रिजा होगी, ठीक है, आपने ज्यादातर गाड़ियां देखी होंगी, मारुति ऑल्टो, मारुति जिन चलती थी पहले, ठीक है। तो ये सारी गाड़ियां जो है ये मैन्युफैक्चर किसने की है, ये मारुति सुजुकी वालों ने की है, ठीक है। तो इनका प्लांट कहाँ है बेसिकली, ये है गुरुग्राम, गुरुग्राम। और ये गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के अंदर, हरियाणा, ठीक है। तो ये जो बड़ी कंपनियां ना जिनके बारे में मैं अभी लिख रहा हूँ, इनके बारे में कुछ ना कुछ पक्का पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी गाड़ियां बनाते हैं और इनका प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है ये मारुति उद्योग लिमिटेड, और इसने कौन कौन सी कंपनियां बनाई है, जैसे स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, और कौन कौन सी है, ग्लैमो, ब्रिजा, ठीक है, और कौन कौन सी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं लाइक ऑल्टो, ठीक है, और भी है जैसे कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो इतनी फेमस नहीं है इनकी, ठीक है। ये सारी गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद और है जैसे कि मारुति 1000 ऑल्टो भी बनाई थी, वैगन आर, वैगन आर, वैगन आर, ये भी इनकी है वैगन आर, ठीक है। तो ऐसी गाड़ियां इन्होंने डिजाइन की है जो कि मारुति 800, मारुति सिंपल, मारुति, मारुति 800 बहुत ही फेमस है, मारुति 800, ठीक है, जो सिंपल जिसको मारुति के नाम से जाना जाता है, मारुति 800। तो ये सारी गाड़ियां जो थी ये किसने बनाई है, मारुति उद्योग लिमिटेड ने बनाई है, मारुति सुजुकी गाड़ियां है ये सारी, मारुति का सुजुकी के साथ टाई अप था, तो उन्होंने मिलके इन गाड़ियों को डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये है गुरुग्राम के अंदर और हरियाणा के अंदर पड़ता है ये गुरुग्राम। ऐसे ही और भी है जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, अब कार मैन्युफैक्चरर लिख रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ मैं, बस फर्स्ट कौन है मारुति उद्योग लिमिटेड, और सेकंड किसकी बात करें, सेकंड पे आ जाता है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड,
हिंदुस्तान तो चलो ट्रैक्टर वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करता है। नेक्स्ट आते हैं टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ठीक है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। इसके बहुत सारे प्लांट हैं, अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन जो मेन यूनिट है वो कहां पर है? जमशेदपुर, जमशेदपुर बिहार, जमशेदपुर कहां पे है? बिहार के अंदर। तो ये है इनकी मेन यूनिट जमशेदपुर बिहार के अंदर। तो ये है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड। इन्होंने भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की है, बहुत सारी गाड़ियां या बड़े ट्रक टैंकर्स जो है इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो फोर व्हील्स आप लिख सकते हैं इसको, मैन्युफैक्चरर, फोर व्हील मैन्युफैक्चरर लिख लो, कार मैन्युफैक्चरर नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर जो है मारुति वाले तो कार मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन बाकी सारे जो है वो अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव लिमिटेड। तो ये क्या करते हैं? ट्रक्स, टैंकर्स और बसेस भी डिजाइन करते हैं, ठीक है। और ट्रक तो आपने देखे ही होंगे टाटा के, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हैवी से लेके लाइट तक बहुत सारे व्हीकल्स जो जी हैं ये डिजाइन करते हैं, ठीक है। डंपर, टाटा और गाड़ियां भी हैं, टाटा सफारी, टाटा सफारी, ठीक है। और कौन सी है? एक टाटा सुमो, टाटा सुमो सबने नाम सुना होगा, टाटा इंडिका, इंडिका, टाटा सुमो, ठीक है। तो ये सारी गाड़ियां हैं जो ये डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। ये कहां पे है? ये जमशेदपुर के अंदर है। ये भी पूरी तरीके से इंडियन है कंपनी और ये मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये है मारुति उद्योग लिमिटेड। तो नेक्स्ट है, आप और पढ़ रहे हैं कि जो फोर व्हील बनाते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। तो ये क्या और क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड है कहां पे? ये है उत्तर प्रा कोलकाता, उत्तर परा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता के अंदर है ये। और ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? उत्तर परा कोलकाता के अंदर। और ये हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड ये बहुत सारी रेंज के, जैसे ये वही चीज है, हैवी व्हीकल्स भी बनाते हैं और जो है यूटिलिटी व्हीकल्स भी बनाते हैं, ठीक है, सिंपल स्पोर्ट व्हीकल्स भी बनाते हैं। मतलब कि अलग अलग तरीके की जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि जैसे कि हैवी लोड के लिए भी बनाते हैं ट्रक्स वगैरह, हिंदुस्तान के ट्रक, ठीक है। और जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कार्स, लाइक जो अलग अलग 1 टन से 7 साढ़े 7 टन तक की मैन्युफैक्चरिंग जो लोड उठा सके ऐसे, ठीक है। लैंसर कार है, ठीक है, लैंसर कार जो है ये हिंदुस्तान लिमिटेड के साथ टाई अप है किसी का, उसके साथ उन्होंने मिलके बनाई है, तो लैंसर, लैंसर कार, ठीक है, ये उनके साथ मिलके। अब लैंसर कार जो थी ये एक विदेशी कंपनी है जिसने बनाई है, तो इसको हिंदुस्तान के अंदर टाई अप करना पड़ता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया के अंदर होती है तो वो हिंदुस्तान की किसी कंपनी के साथ, इंडिया के किसी कंपनी के साथ वो टाई अप कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के साथ उन्होंने टाई अप किया और ये लैंसर कार बनाई, ठीक है। और कौन सी कार बनाई? जैसे एम्बेसडर भी है, ठीक है, फोर्ड हिंदुस्तान ट्रक्स, फोर्ड हिंदुस्तान ट्रक्स, ठीक है, ये भी अपने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और ये कौन बना रहा था? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। और है कहां पे ये? उत्तरपरा
कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और ये आपका क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं इस चीज के, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो हैं ये भी अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इनका बेसिकली जो है कहां पे एलोकेटेड प्लांट, प्लांट है बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे के अंदर है, मुंबई के अंदर है, बॉम्बे या मुंबई लिख सकते हो, मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये गाड़ियां भी डिजाइन करते हैं, महिंद्रा की जीप आती है, महिंद्रा जीप, महिंद्रा जीप, ठीक है। और इनके ट्रक्स आते हैं, महिंद्रा के ट्रक्स मैन्युफैक्चर करती है, इंजन बनाती है, ठीक है। और कौन सी चीजें, ट्रैक्टर तो बनते ही है इनके, ट्रैक्टर की बहुत सारे जो है यूनिट्स हैं, अलग अलग ट्रैक्टर्स को ये डिजाइन करता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। डीजल के लिए ज्यादातर मशहूर है ट्रक, एंड जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा इनकी ये है, ठीक है, महिंद्रा जीप जो है ये ज्यादा मशहूर है, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है ये, डीजल यूनिवर्सल है ये सारी चीजें। तो प्लांट जो है इनका कहाँ पे है, बॉम्बे के अंदर है, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जो है होंडा और बजाज, ठीक है। होंडा जो है, होंडा मैन्युफैक्चरर्स हैं होंडा सेल मोटर्स लिमिटेड, सेल मोटर्स लिमिटेड। ये कहां पे है, होंडा का प्लांट भी अपने हरियाणा के अंदर भी है। तो हरियाणा के अंदर होंडा का प्लांट कहां पे है लोकेट, वैसे तो मेन प्लांट तो मद्रास के अंदर है, मद्रास जो मेन जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है होंडा की वो तो मद्रास के अंदर है, लेकिन कुछ प्लांट इनके हरियाणा के अंदर भी है, तो रेवाड़ी इलाके में है, ठीक है, वहां पे ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो मद्रास के अंदर इनका मेन प्लांट है, और ये क्या बनाते हैं, होंडा की जो होंडा सिटी जो गाड़ी है, गाड़ियों का तो होंडा सिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे बाइक की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है हरियाणा के अंदर, तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जैसे होंडा सिटी, होंडा सिटी ये कहाँ पे होती है, ये मद्रास के अंदर होती है, ठीक है। तो इनकी एक गाड़ी तो होंडा सिटी है, होंडा सिटी बनाते हैं ये, और भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके हो रहे हैं, ठीक है। तो बाइक्स जो है वो इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर होते हैं इनके, ठीक है। तो गाड़ियों की बात करें तो ये गाड़ियों वाला प्लांट कहाँ पे है, ये मद्रास के अंदर है। तो ये है कुछ कंपनियां जो कि फोर व्हील बनाती हैं, फोर व्हील ड्राइव्स बनाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर फोर व्हील ड्राइव्स नहीं कह सकते, फोर व्हीलर बनाती हैं जिसके अंदर फोर व्हील्स होते हैं, ठीक है। बजाज टेम्पो लिमिटेड, बजाज टेम्पो लिमिटेड ये भी एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है फोर व्हील बनाने की, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, टेम्पो ट्रैक्स, टेम्पो ट्रैक्स फोर व्हील, ठीक है, फोर व्हील टेम्पो ट्रैक्स बनाते हैं ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये लोकेटेड है प्लांट जो है पुणे के अंदर है इनका, बजाज मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, पुणे के अंदर, टेम्पो लिमिटेड, ठीक है। बजाज के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, अब तो अपने फोर व्हील के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी जल्दी से आप टू व्हील और जो है ट्रैक्टर वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जो हैवी लोड या ट्रक जैसी चीजें उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़े थोड़े मैन्युफैक्चरर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट क्या मैन्युफैक्चर करता है और ये कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, ये चीज जरूरी है, ठीक है, इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वेरियस मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।